ग्रामशी अमा के दमाग ही मतलब अमा के पॉलिटिकल किस्ती आई एक्टिविज्म ही और वत एक थ्रेट ही अमी सेंटेंस अच्छी जाने दिखती कि यक पावरफुली मर्दों में क्या रोती है मुल्क किसती हुकूमत मुल्क सर हुकूमत करने गाय आ कुछ गाय कि ग्रामशी और वगैरह जेल भी कहना इसी दमाग तक के आओ कि देखे शीशे वाला कार में करते हैं लिहाजा ग्रामशी और ये चांस देख बीतती कि तो जलावतन बुबू और बरो रूसा वो ती जाना चो काम मतलब कशित थे रूसा राधन थे भले ग्रामशी जेंद रूसा नारो अरे मोकर असित कि बेटा ची ई प्रीफर्स टू बी इन द प्रिजन अगर मर्ची आई जेले तो का मबूत थे बुद्ध का कल्चर रेजिमिनी तीवरी आई दीमान्यात करगा माँ मर्ची आई बार डिस्कस करने का नहीं था बीबीसी रेडियो एक टॉप शो करनते ना मतलब लगते हैं किसी में पर्सनैलिटीज है नहीं सरा और एक ग्रामशी सर वो देखे किसी एक टॉप शो है ना उसी ग्रामशी वे मर्दों अमा मर्दों के ईशानी मतलब नैसे मंडे लाए ना ये अमा पॉलिटिकल किसी प्रिजनर हाँ ईशानी अमा मतलब जेलिए या कि कैदिए दौरान ईशान मुख्तलिफ टाइम ना ऑफर रसीद थी मतलब के तो ब्या कमो मतलब कंप्रोमाइज बे काम नेल्सन मंडेला उसी आइए हैप्पी एंडिंग जैसे नेल्सन मंडेला कंप्रोमाइज करते देमा कहते हैं ग्रामशी कंप्रोमाइज ना का आ कहते वती अम्मा आइडिया वती अम्मा काज वती अम्मा बिलीव है आई सर ऊँची तक के मिरीते रोते नु हमें वास्ता ग्रामशी इस समझ इक्का ग्रानम नहीं सके आसानी गफ करते हैं कल्चर हेजिमेनी किसी तिवरी धीमा का रीते हैं प्रीजन नोटबुक से बलाएं किताब है आइए हम किताब क्रक्स के हस्ते इसे कशिता थीवरी ऑफ कल्चरल हेजिमेनी कल्चर हेजिमेनी जिंद सर कहीं गप कहीं कि कल्चर हेजिमेनी जिंद ची द कंसेप्ट ऑफ हेजिमेनी इसी के उस तो इंसान सर तन्ना फोर्स के जरिए तो रूल को उतना कने You can rule by ideas as well. See, man is not ruled by force alone, but by ideas as well. ये basic मतलब हमारा culture हेजिमेनी है किसते theory overall हमेशा अब इसी के मरुची की बात है एक modern state किसे समझे के वास्ता तन्ना तरह किसते आइए हमारा above level के हमारा power हैं क्या आइए तू का किसते state हमारा coercive elements का आते हैं आ फोर्स से जरिया हुकुमरानी करते हैं तन्ना उसी किसते फोर्स नहीं ये हुकुमरानिया रहा किसते ती आइडियाज हम गो मल्लू के किसते आइडियाज ना तो कंट्रोल करे मल्लू के किसते जहनो दमाग आना तो कंट्रोल करे न्यू इसे वास्ता ये सुपर स्ट्रक्चर दो चीज़ें किसते डिवाइड करते हैं ग्रामशी पॉलिटिकल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी ये दो टर्म ग्रामशी राइटिंग है तो किसी सख बज दिमाग आते हैं पॉलिटिकल सोसाइटी अम्मा सोसाइटी क्या ही तो कहते थे अम्मा आर्गन्स हम कोर्सिव आर्गन्स आए ना कुछ हम आई तो का आर्मी माने आई तो का पुलिस माने या के आई तो का कोर्सम माना अदालत हम माना ये द्रा पॉलिटिकल सोसाइटी है तो का काम थी दो में सिविल सोसाइटी तो का तई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हम तई स्कूल हम तई अखबार हम के जर्नल्स के अस्तम ये तिद्रुआ सिविल सोसाइटी तो का कांति मतलब वहाँ प्राइवेट थी ऑर्गेनाइजेशन यू ग्रामशी उसी ये दुए ना इन दरमियाना या कभी किसी सिविल सोसाइटी या कभी पॉलिटिकल सोसाइटी ये दुए ना इन दरमियाना या के फंक्शन करते आ इंटेलेक्चुअल हैं ग्रामशी किसी इंटेलेक्चुअल रोल है किसी पट्टे की कोशिश करते कि इंटेलेक्चुअल रोल ओवरऑल सोसाइटी तो का चाहिए इसे चीज सारी कि मैं इंटेलेक्चुअल लफ्ज बार बार इस्तेमाल भी की मानी सवाल शुमार ना कि लास्ट शुमार कहीं इंटेलेक्चुअल जेंद ची है ना कि ग्रामशी को जाम सेंसा किस इंटेलेक्चुअल गप पाए ग्रामशी उसी देयर इज नथिंग लाइक नन इंटेलेक्चुअल आ इंटेलेक्चुअल ये सेंस जरूरी कि आई आर आ एक सोशियो पोलिटिकल फंक्शन है इसकी सोसाइटी तो का आ बिल्कुल अमा फंक्शन है थ्रू आ सोसाइटी तो का कार कना गाए न्यू आ इंटेलेक्चुअल किसते डिवाइड करते हैं इंटेलेक्चुअल अवश्य कहते हैं ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल या कि तई ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल हम इंटेलेक्चुअल्स हाँ के आयानी या खास क्लास यसते वो आयानी या खास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यसते
ও অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়াল ইন্টারেস্ট গুতি রুলিং ক্লাসে ইন্টারেস্ট আঙ্গো মিললাম মতলব ইসম কি অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়াল কিসতে ইন্টারেস্ট ও রুলিং ক্লাসে ইন্টারেস্ট দরমিয়ান গ্রামচুষি ফার্ক নেস্তে ই ইন্টেলেকচুয়াল কার চি ফাংশন চি ই তি স্টেট পলিটিক্যাল সোসাইটি ওয়াস্তে মর্দম জোড়কা তি আর্মি ওয়াস্তে মর্দম জোড়কা তি পুলিশ ওয়াস্তে মর্দম জোড়কা তি কোর্সানি ওয়াস্তে মর্দম জোড়কা তি বিউরোক্রেসি ওয়াস্তে মর্দম জোড়কা ইদ্রাতি অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়াল কার ও আই ইন্টারেস্ট রুলিং ক্লাস ইন্টারেস্ট ফার্ক নেস্তে দুমি ট্রেডিশনাল ইন্টেলেকচুয়াল ఆ ఇంటెలెక్చువల్ చూసే కాసే పొలిటికల్ ఐడియాలజీని ఇస్తే ఆ ఇంటెలెక్చువల్ సివిల్ సొసైటీ తుకు ఫంక్షన్ కంతే గ్రామ్ చూసి ఆ బుద్ధికాం కేస్తే అరాబి మర్దం అయిన తుకు మవి భలే అన్ ఇంటెన్షనలీ ఆ కేస్తే అమా స్టేట్ ఫంక్షనరీస్ ఆ గ్రామ్షి దృష్టి ఇంటెలెక్చువల్ ని గుషి డిప్యూటీస్ ఆఫ్ ది స్టేట్ జింకి మతలబ్ ఓవరాల్ ఈ గుషి శన కార్గిరగ్ వ్యక్తి శని కార్చి జెన్సాజీ కనా ఈ స్కూల్ ఎందుకు టెక్స్ట్ బుక్ వచ్చిన లెక్కంకే ఈ అమి ఇంటలెక్చువల్ లెక్కంతే ఇది టెక్స్ట్ బుక్ తెచ్చి ఏకేస్తే మతలబ్ అమ్మ నుమాయిందిగా కన యా ఖాస్.